आधा रहे दो। तेल भी गरम होना चाहिए, हल्का हल्का, ज्यादा ज्यादा आंच नहीं होना चाहिए, हल्का आंच होना चाहिए। पूरा रस घुस गया, पूरा रस घुस गया, देख सकते हैं ये एकदम पूरा रस घुस गया। और खा के दें एकदम पूरा खास्ता एकदम मस्त। हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, हम लोग तो ठीक हैं। तो आप सब हमको हमारे ओर से शुभ दीपावली। तो आज हम लोग दीपावली के अवसर पर, मतलब हर घर में मिठाई बनती है, सबका मनपसंद चीज़ें बनती हैं, तो हम लोग का घर में भी, मतलब हम लोग भी सोचे कि हम लोग भी कुछ स्पेशल चीज़ बना लेते हैं। तो आज हमारे घर में दो मेहमान आए हैं, ये है एगो और दूसरा बाहर गए हैं थोड़ा सा। मनोज लोमगा ब्लॉग, मनोज लोमगा ब्लॉग आप लोग देख लीजिएगा सर्च करके। और ये है हमारे बहन सुसाना लोमगा ब्लॉग, और वो है मनोज लोमगा ब्लॉग। और आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी देख लीजिएगा, लिंक हम दे देंगे नीचे, तो आप लोग देख लीजिएगा और वहाँ से उनका वीडियो भी देख लीजिएगा। बहुत अच्छा ब्लॉग बनाते हैं, उनका भी ब्लॉग चैनल है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सब मिलकर के हम लोग दीपावली में, मतलब दीपावली मना रहे हैं। तो दीपावली में ही हम लोग आज बना रहे हैं, देख सकते हैं इधर में ये है गुलाब जामुन। तो हम लोग कभी नहीं बनाए हैं, हम लोग कभी नहीं बनाए हैं, बस हम लोग यूट्यूब में वीडियो देखे हैं, मतलब वैसे देख देख करके हम लोग भी सोचे कि चलो आज बना लेते हैं। तो हम लोग भी बनाएंगे गुलाब जामुन। तो मतलब कैसे कैसे हम बनाएंगे, मेरा भी फर्स्ट टाइम है, तो हम बनाएंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, जितने भी अगर हमारे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको बनाना शुरू। पहले पैकेट को खोलते हैं, पहले पैकेट से निकालेंगे, खोलेंगे, देख सकते हैं इस तरह से पैकेट पैकेट में पैक किया हुआ रहता है। और इसका देखिए, ये हम लोग दुकान से लेकर के आए हैं खरीद के। तो फ्रेंड्स, चलिए इसको हम निकालेंगे, कैंची से किनारे में कट कर लेंगे पूरा बीच। आधा रहे दो। देखिए ये है, और इधर में हम भूनने के लिए हम लिए हैं दूध, और दोनों मिला करके हम इसको इसको सानेंगे। इसको ज़्यादा नहीं सानना है, मतलब इसमें लिखा हुआ है ज़्यादा नहीं सानना है, इसको मिक्स कर देना है। ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा तो अच्छा से गुलाब जामुन नहीं बनेगा, इसीलिए जैसे जैसे इसमें दिया हुआ है उसी वही प्रोसेस से हम बनाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम बनाते हैं। उसको अच्छी तरह से पहले मिला लो, इसको अच्छा से हम मिला लेते हैं, गुठली जैसा है उस सबको हम फोड़ेंगे। इसको हाथ से हम मिलाएंगे तो पूरा सॉफ्ट हो जाएगा, इसीलिए हम चम्मच से मिला रहे हैं, चम्मच से कि सॉफ्ट नहीं होगा, बस आटा गूंद के तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स, चलिए हम गुलाब जामुन के लिए इसको सानते हैं। यहाँ पर हम लिए हैं दूध, हल्का हल्का दूध दे करके इसको हम सानेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा दूध दे करके इसको हम सानेंगे। मैया है तो नहीं,
देखिए इसको अच्छी तरह से मिलाना है, इस तरह से हल्का हल्का दूध दे करके इसको हम अच्छा से मिलाएंगे, जैसा आप मतलब रोटी के लिए आटा सानते हैं वैसे ही इसको सानेंगे। लेकिन हाँ, इसको सॉफ्ट नहीं करना है, एक नरम आटा इसको तैयार करना है। देखिए हम भी कभी नहीं बनाए, हम भी फर्स्ट टाइम मेरा फर्स्ट टाइम हम भी बना रहे हैं, देखेंगे सक्सेसफुल होता है या नहीं, लेकिन कंफर्म है सक्सेसफुल हो जाना चाहिए। और आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा मतलब प्रोसेस सही है या गलत है, और जैसा आप लोग बनाते हैं उसी तरह से हम बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये है एक आटा, नरम आटा तैयार हो गया। तो इसको छोटा छोटा पीसेस करके इसको गोल करेंगे। इधर एक कढ़ाई मेरा तेल थोड़ा सा, हम हाथ में तेल लेंगे और उसके बाद देखिए इस तरह से थोड़ा सा लुई लेंगे और इसको हम बराबर बराबर देखिए ये है। इसमें कहीं भी फटा हुआ थोड़ा सा सामने दिखाना कैमरा से, कहीं भी इसमें फटा हुआ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये फट जाएगा। एकदम पूरा सॉफ्ट साफ तरह एकदम पूरा प्लेन इसको मतलब बनाना है, इस तरह से हाथ से। प्लेट वाला ये वाला पीछे करो ना, ये वाला प्लेट वाला जो बना के रख रही है जो वाला पीछे करो ना। हाँ तब ना आएगा तीनों। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से सारा हम बना लेते हैं। देखिए इसका फ्रेंड देख सकते हैं, इधर में गुलाब जामुन पूरा हम बना लिए, देखिए गोल गोल। और इधर मेरा कढ़ाई में सीरा बन के तैयार हो गया है, देख सकते हैं। और इधर है तेल मेरा गरम हो रहा है, इसको तेल में हम इसको छानेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए तेल को गरम होने देते हैं, उसके बाद हम गुलाब जामुन को, काला गुलाब जामुन को हम छानेंगे। तो फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। सबसे इधर मेरा तेल गर्म हो गया है, अब ये गुलाब जामुन को हम डालेंगे तेल में, फ्राई करेंगे। तेल भी गर्म होना चाहिए हल्का हल्का, ज्यादा ज्यादा आंच नहीं होना चाहिए, हल्का आंच होना चाहिए। हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं ये हमारा गुलाब जामुन बन के तैयार हो गया, काला गुलाब जामुन देख सकते हैं। काला गुलाब जामुन देखिए, आप लोग कमेंट में बताइए कैसा है, मतलब अभी जस्ट ताल के इसमें। तो फ्रेंड्स चलिए इसको आधा घंटा इसे छोड़ देते हैं। हेलो फ्रेंड, तो देख सकते हैं इसको मतलब गुलाब जामुन बनाने के बाद में एक घंटा हम ढक के रखे थे। देखिए ये है मेरा गुलाब जामुन। तो फ्रेंड्स इसको हम आधा घंटा मतलब ढक के रख दिए थे, देख सकते हैं सारा सीरा जो है उसमें सारा घुस गया। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को हम दिखाते हैं निकाल के एक गो। देखिए ये कितना मस्त बना है, देख सकते हैं ये है। और इसके अंदर में पूरा रस घुस गया है, पूरा रस घुस गया, देख सकते हैं ये एकदम पूरा रस घुस गया। और खा के दें, पूरा रस घुस गया सब में, देखिए और खा के भी एकदम बड़ी मस्त है, एकदम पूरा परफेक्ट एक नंबर, एकदम पूरा सॉफ्ट बना। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा गुलाब जामुन काफी सुंदर बना है, वो एकदम पूरा सॉफ्ट परफेक्ट। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा गुलाब जामुन, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आज का ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाला ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय बाय।